अगस्त 2011 यह ऐसा दिन था जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को जैसे का तैसा कहावत का असली मतलब बतलाया था। आज हम इंडियन आर्मी द्वारा किए गए ऑपरेशन जिंजर के बारे में जानेंगे, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तानी सेना आज भी सहम जाती है। जब हम सुनते हैं कि पाकिस्तानी फौज डरपोकों की तरह LOC पार कर भारतीय सैनिकों पर पीठ पीछे वार कर उनकी आंखें निकाल उनके सर काट कर अपने साथ ले जाती है, तब आपका खून जरूर खौलता होगा और खौलना भी चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं सैनिकों की वजह से अपने देश में चैन की नींद सोते हैं। लेकिन क्या आपने ये बात कभी सोचा है कि जब हमारा खून खौलता है तो उस सैनिक के घर वालों या साथ में रहने वाले सैनिकों का कितना खून खौलता होगा, उनके मन में बदला लेने की कितनी तीव्र इच्छा उबाल मारती होगी। हमारी सेना हमेशा से ही रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का कठोरता से पालन करती आ रही है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शरीर को लेने से इनकार किया है, तब तब हमारी सेना ने उनके लाशों को सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया है, चाहे वो 1965 हो, 1971 हो या फिर 1999 की कारगिल वार हो। हर बार हमारी सेना ने इंसानियत का सबूत दिया है। लेकिन पाकिस्तान को मानवता और नियम जैसे शब्दों का अर्थ नहीं मालूम। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी BAT LOC पार कर हमारे सैनिकों का सर काट कर अपने साथ ले जाते हैं, और यह सब करने का पाकिस्तानी आर्मी उन्हें नकद इनाम देती है। जितना बड़ा रैंक का हिंदुस्तानी फौज होता है, या यूं कहें जितना बड़ा रैंक वाले सैनिक का सर होता है, उतना ही बड़ा उन्हें इनाम दिया जाता है। 30 जुलाई 2011 को कुपवाड़ा की गुगलधर चोटी पर मौजूद इंडियन आर्मी के पोस्ट पर पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने हमला कर दिया। इस हमले में 6 भारतीय जवान शहीद हुए। पाक सैनिक 2 भारतीय जवान का सर काट कर अपने साथ ले गया। पाकिस्तान ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी, और अब वह समय आ चुका था जब पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाया जाए। इसलिए उस समय के कुपवाड़ा के 28 डिवीजन के चीफ ने दिल दहला देने वाला ऑपरेशन जिंजर करने का फैसला किया। ऑपरेशन जिंजर को अंजाम देने के लिए LOC के पास जमीनी और हवाई जासूसी की गई। खुफिया एजेंसियों ने अपने मुखबिरों के जरिए POK में पाकिस्तानी फौज के चौकियों के बारे में पुख्ता जानकारी हासिल किया, ताकि ऑपरेशन जिंजर के लिए टारगेट फिक्स किया जा सके। लगभग 2 महीने तक जानकारी इकट्ठा करने के बाद 30 अगस्त 2011 को ऑपरेशन जिंजर को लॉन्च कर दिया गया। इस ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्सेस के 25 कमांडो की एक टीम बनाई गई। 29 अगस्त को सुबह 3 बजे कमांडो की यह टीम अपने निर्धारित लॉन्च पैड पर पहुंच गई और रात के 10 बजे तक वहीं छुपी रही। रात के 10 बजे के बाद इस टीम ने अपने कदमों के सहारे ही LOC को क्रॉस करना शुरू कर दिया। 30 अगस्त सुबह 3 बजे तक यह टीम निर्धारित किए गए टारगेट तक पहुंच गए और दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक पहुंच गए। अगले 1 घंटे में इन कमांडोज ने अपने टारगेट जो पाकिस्तानी चौकी थी उसके चारों ओर माइंस बिछाने का काम पूरा कर लिया, और वार रूम से आदेश मिलने तक 3 अलग अलग टीम बनाकर घात लगाकर बैठ गए। घात लगाकर बैठी आगे वाली टीम ने करीब सुबह 4 बजे देखा कि 4 पाकिस्तानी सेना उनके तरफ आ रहे हैं। उस टीम ने पाकिस्तानी सेना के 4 सैनिकों को और आगे आने का इंतजार किया। वो जैसे ही बिछाए गए माइंस तक पहुंचे, जिंजर के सबसे आगे वाली टीम ने माइंस को उड़ा दिया। माइंस के विस्फोट होने के बाद सबसे आगे वाली टीम ने उन 4 पाकिस्तानी सैनिकों पर फायरिंग की शुरुआत भी कर दी। परिणाम स्वरूप चारों पाकिस्तानी सैनिक वहीं ढेर हो गए। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना के जाबाज सिपाही मरे चारों सैनिकों के पास गए और उनमें से 3 सैनिकों के सर काटे और अपने बस्ते में डाल लिया। इसके साथ ही हमारे सैनिकों ने उनके हथियार, ID कार्ड आदि भी अपने साथ ले लिया। इसके बाद उन पाकिस्तानी सैनिकों के बॉडी में IED प्लांट कर दिया, ताकि कोई और फौजी आए उनके बॉडी को उठाए तो वो भी मारा जाए। इसके बाद फायरिंग की आवाज़ सुनकर नज़दीक के चौकी से 3 पाकिस्तानी सैनिक भागते हुए आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि काल बनकर हमारी दूसरी टीम उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो तीनों पाकिस्तानी सैनिक कुछ आगे आते, हमारी दूसरी टीम ने उन्हें भी मार गिराया। जब हमारी दूसरी टीम उन 3 पाकिस्तानी सैनिकों पर फायरिंग कर रही थी, तब 2 पाकिस्तानी सैनिक पीछे से इस टीम पर फायरिंग करने लगे, लेकिन इन 2 पाकिस्तानी सैनिकों को नहीं पता था कि उनके स्वागत और दूसरी टीम को कवर करने के लिए तीसरी टीम घात लगाकर इंतजार कर रही थी।
तीसरी टीम ने भी फायरिंग कर इन दो पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब हमारी तीनों टीम अपना काम कर वापस लौट रहे होते हैं, तब उन्हें एक जोर का धमाका दिखाई देता है। यह धमाका उस आईडी के कारण होता है जिसे हमारे सैनिक पाकिस्तानी फौज के बॉडी में छिपा दिए होते हैं। इंडियन आर्मी के बाद के मूल्यांकन के हिसाब से इस आईडी एक्सप्लोजन के कारण कम से कम 4 पाकिस्तानी फौज और मारे गए थे। ऑपरेशन जिंजर पूरे 45 मिनट तक चला था। सुबह 7:45 पर हमारे सभी टीम बिना किसी खरोच के LOC के लिए निकल चुके थे। कमांडोस की पहली टीम सुबह करीब 7:45 पर लौटी, जबकि दूसरी टीम दोपहर 12 बजे तक और तीसरी टीम दोपहर करीब 2:30 पर लौटी। इस ऑपरेशन में हमारी सेना दुश्मन के इलाके में लगभग 48 घंटों तक रही। इस ऑपरेशन में 8 पाकिस्तानी फौज मारे गए, जबकि 3 बुरी तरह से घायल हुए। अपने साथियों के डेड बॉडी के साथ किए गए घटिया हरकत का बदला लेने के लिए हमारे सेना ने लॉन्च किया था ऑपरेशन जिंजर। कभी कभी दुश्मन को उसी की भाषा में समझाने के लिए हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिस काम के लिए हमारा दिल इजाजत नहीं देता। अगर हमारा दुश्मन बार बार हमारे फौजियों का सर काट कर उनके शरीर को छत विछत करता रहे तो हम क्या करेंगे? अगर हमारा दुश्मन इतना घटिया है कि वह हमारे सैनिकों का आखिरी बार चेहरा भी देखने ना दे तो हम क्या करेंगे? हम ऑपरेशन जिंजर करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीर सैनिकों के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।